आपके पास एक एक तांबे का सिक्का होगा, अपने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में रखें। ये उन भक्तों के लिए है जिनके घर में दरिद्रता है, आर्थिक तंगी है। ब्राह्मण देवता से हम निवेदन करके आचार्य जी यहाँ विराजमान हैं, आचार्य जी श्री सूक्तम का पाठ करके उसको अभिमंत्रित करेंगे। हम बालाजी से तब तक आपकी विधि कर देते हैं। श्री सीताराम, मन में राम नाम का जप करिए, मुट्ठी को इस प्रकार रखिएगा, सीधा बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मावहा तामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामनी यश्याम हिरण्यं विंदेयम् गामस्वपुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदनी श्रियं देवी मभुवे श्रीमा देवी जसताम्। ओं काम सोस्मितां हिरण्यं प्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्यतां तर्पयन्तीं पद्मे सितां पद्मवर्णां तामिहोपवहिश्रियं चंद्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोकेदेव जस्तामदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेन सतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिक्ष वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तु या यान्त्रायाश्च वाया लक्ष्मी उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्यामर्णा सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिमृत्युं ददातु मे क्षुप्तिपाशामलां ज्येष्ठा लक्ष्मी नाशाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वाणि निरोधमे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवहिश्रियं मनसा काममाकोति वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशैतान्यसा कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भवकर्दमं श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपासृजन्तु सिकितानि चिकलितावसमे गृहे निज देवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्राम्य करणीं यष्टिं सुवर्णां हेमालिनीं रुण्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मावः तामावः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतो गावो दासे सान्विन्देयं पुरुषानहं यः सजी प्रयतो भूत्वा जुह्यादाजमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामा सततं जपे। ॐ मा श्रीश्यते लक्ष्मीश्च पत्न्याम्बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमस्विनौ व्याप्तं मा कृष्णन्निखाणा मुम्मयिखाण सर्वलोकं मयि खाणः। बोले लक्ष्मी मैया की जय, बागेश्वर धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य महाराज श्री की जय। आचार्य जी की दक्षिणा। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। अपने अपने मुट्ठी को अभी बांधे रहेंगे, मस्तक से लगा करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करें श्री हरि नारायण के साथ में। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी। सब पर दया करो भगवती, आज से इन सब भक्तों के घर पर विराजमान हो। हे भगवती, आज से इन सब के घर पर विराजमान हो, इनकी दरिद्रता को दूर करो, भक्ति खूब बढ़े घर पर, खूब जो है भगवती इतना दीजिए जा मैं कुटुम्ब समाए, यह भी भूखे ना रहें, इनके घर से न साधु भूखा जाए, ऐसी कृपा करो हे माँ महालक्ष्मी। हे श्री हरि नारायण, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी। अपने अपने जेब में अथवा कोई वस्त्र आप लिए हों तो उसमें लपेट करके रख लें। घर जाकर के पूजन करना है चंदन चावल से,
धूप दीप देकर के अगरबत्ती देकर के पूजा करनी है और आपको अपनी तिजोरी में अथवा अपने पूजा मंदिर में इसको प्रतिस्थापित करना है। श्री यंत्रम अगर आप बालाजी की दया हुई तो यज्ञ के बाद सबको एक एक घर पर जो है जितने भक्तों के लिए आदेश बालाजी का होगा प्राप्त होगा। इसके बाद दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की, दरबार की। क्या इस वैज्ञानिक और आधुनिक युग में ऐसा संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।